तो गाइज आज हम आए हैं दिल्ली के अंदर मिलने एक ऐसी ब्रेव गर्ल से जो 17 साल की उम्र में एक इडली सेंटर चलाती हैं, स्कूल भी जाती है और अपनी फैमिली को सपोर्ट भी करती हैं। तो लेट्स मीट हर। तो मैम आपका नाम क्या है? सूर्या। सूर्या, तो आप रहने वाली कहाँ की है? मैं केरला से हूँ, ये बचपन से यहीं है वैसे। अच्छा, आप बचपन से यहीं है, क्या बात है। और मैम आपकी एज क्या है सबसे पहले? 17। और मतलब आप इतनी छोटी उम्र में, मतलब 17 साल की उम्र में अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप क्या क्या लगाते हैं वैसे बताएंगे एक बार? ये पकोड़े। अच्छा, मिक्स है मिक्स। अच्छा, सांबर वड़ा। सांबर वड़ा, दाल वड़ा। दाल वड़ा, ब्रेड और आलू बोंडा। ब्रेड और आलू बोंडा और इडली है। डोसा, इडली और डोसा। हाँ, अच्छा। और मैम एक बार आप प्राइस बताएंगे इनका क्या है और आप हमारे लिए लगाएंगे कुछ? ये 10 के 4 है। अच्छा, ये 20 क्या सिंगल है, 40 का प्लेट है। अच्छा, ये 40 का प्लेट है। 40 का प्लेट है, वो 30 का प्लेट है, ये 40 का प्लेट है। ये 40 का प्लेट है, क्या बात है। 30 का है, इडली 30 की है और डोसा 80 का प्लेट है। दो आते हैं, एक इडली और एक वड़ा। एक वड़ा। तो मैम आप स्कूल भी जाती हैं? हाँ। अच्छा, मैम मतलब बोर्ड चलेंगे अभी। अच्छा, आपके अभी 12th बोर्ड चलेंगे। मैम आप अपनी फैमिली को कब से सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सेंटर पे कब आते हैं? दुकान लगी है तो कभी भी आ जाती है। अच्छा, कभी भी आ जाते हैं। तो मैम ये सांबर? अच्छा, तो मैम इसमें सांबर में क्या क्या डाला हुआ है बताइए? इसमें वेजिटेबल्स होंगे, मसाला और सब होगा। अच्छा, मसाला सब कुछ होगा। बनाते मम्मी है तो वही। अच्छा, मम्मा बनाते हैं आपके, क्या बात है। और ये मैम? नारियल की चटनी। नारियल की चटनी, क्या बात है। और ये मैम? ये टमाटो की चटनी। टमाटो की चटनी, क्या हो। तो मैम जो ये सेंटर चलाते हैं तो वो कितने बजे से कितने बजे तक ओपन रहता है? ये 9 to 9। 9 to 9। अच्छा, और मतलब एड्रेस कहाँ पड़ेगा अगर कोई भी आपसे मिलने आना चाहता है, इडली खाने आना चाहता है? तो पहाड़गंज में अपोजिट सेंट एंथनी स्कूल के। ओके गाइस, अब आ चुके हैं हम सूर्या मैम के जो फादर हैं उनसे कुछ बात करने। तो कैसे सर, एंड आपका नाम क्या है? मेरा यमचंद्रन। यमचंद्रन, तो मैं सर आप कहाँ से वैसे? फ्रॉम केरला। केरला, तो यहाँ कितने साल हो चुके हैं वैसे आपको? इधर आ गया मेरे को 22 साल। 22 साल। तो सर जैसे सूर्या मैम कह रहे थे कि वो यहाँ पे आते हैं, आप सबकी हेल्प वगैरह करते हैं, तो आपको कैसा लगता है? वो आई विल गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कस्टमर्स। अच्छा, कि वो यहाँ पे आती हैं, हेल्प करती हैं और वो स्कूल भी जाती हैं, मतलब दोनों काम मैनेज करते हैं, क्या बोलते हैं। वो बहुत हेल्प करती है। ही इज वेरी टैलेंट फॉर डूइंग विद कस्टमर्स। अच्छा, तो वो मतलब कुछ बनाते भी हैं खुद भी, मतलब सब्जी या वैसे कुछ बड़ा वगैरह? नहीं, बहुत हेल्प करती है वो, हेल्प करते हैं। अच्छा, ठीक। बट ही विल नॉट गेट एनी टाइम फॉर मेकिंग दिस डिशेस, सो ही इज स्टडीिंग। अच्छा, स्टडी करते हैं। स्टडी भी करते हैं, आपकी हेल्प भी करते हैं। पार्सल होना, पार्सल, और प्लेट इडली और वड़ा। तो गाइस यहां पे आ चुके हैं हमारी वड़ा और इडली की प्लेट, ठीक है, जो बनाई है 17 साल की जो मैम है हमारे, सूर्या मैम ने जो बनाई है, वो टेस्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहां हमारी इडली। और यहाँ हमारी टमाटो की चटनी। साउथ इंडियन फूड ना सच्ची कहूँ मेरा फेवरेट है, और इडली और सांभर, ठीक है। तो गाइज अगर आप यहाँ पे इडली सांभर खाना आना चाहते हैं, और भी बहुत कुछ है, वड़ा है यहाँ पे, पकोड़े हैं, तो अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए। एंड एक छोटा सा एक परिवार है, ठीक है, केरला से दिल्ली में आया हुआ है, और यहाँ सूर्या मैम है जो 17 साल की एक गर्ल है, ठीक है, बहुत ही ब्रेव गर्ल है और स्कूल भी जाती है, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करती है। तो गाइज अगर आप पहाड़गंज में आते हैं तो यहाँ पे आपने ज़रूर आना है, और अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करनी, जितनी ज़्यादा हो सकते हैं ना, जितने ज़्यादा लोगों के साथ उतने लोगों के साथ जरूर करनी है। थैंक यू।